या मांस खाना बंद कर दे तो इस दुनिया में इतना अनाज पैदा हो रहा है कि वो सारी दुनिया के एक-एक व्यक्ति का तो पेट भर ही देगा, इसके बराबर की दूसरी दुनिया और पैदा हो जाए तो भी सबका पेट भर देगा। मैं आपको ये आंकड़े से बताने की कोशिश करता हूं। इस समय पूरी दुनिया में 650 करोड़ लोग रहते हैं, भारत में 115 करोड़ लोग हैं, चीन में 140 करोड़ लोग हैं। ये दो देश दुनिया में हैं जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले हैं। इसके अलावा तीसरा बड़ा देश है अमेरिका, जहां पर लगभग 27 करोड़ हैं। फिर यूरोप के 15 देश हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, हॉलैंड है, स्पेन है, पुर्तगाल है, ये 15 देश मिलाकर इनकी संख्या 30 करोड़ है। फिर अफ्रीका है, फिर लैटिन अमेरिका, सारी दुनिया में लगभग 650 करोड़ लोग हैं। अभी जितना भोजन माने गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर, सब्जियां, फल आदि पूरी दुनिया में जो पैदा होता है, 650 करोड़ लोगों के लिए तो पर्याप्त है ही। अगर मांस खाना दुनिया में बंद हो जाए और मांस उद्योग पर ताला लग जाए तो जितना भोजन आज पैदा हो रहा है ये 1300 करोड़ लोगों के लिए पर्याप्त हो जाएगा। मैं ये जो कहना चाहता हूं वो ये बात कहना चाहता हूं। अभी तो 650 करोड़ लोग हैं, और 650 करोड़ लोग दुनिया में पैदा हो जाएं, एक तरफ आप मान लीजिए कि सारे दुनिया की जनसंख्या दोगुनी हो जाए, 1300 करोड़ लोग पूरी दुनिया में हो जाएं, और दूसरी तरफ मांस उद्योग पर ताला लगा दिया जाए, तो जितना भोजन आज पैदा हो रहा है, जितना अनाज आज पैदा हो रहा है पूरी दुनिया में, वो 1300 करोड़ लोगों का पेट भरने के लिए पर्याप्त है। आप बोलेंगे वो कैसे, ये बात समझ में नहीं आई। इस बात को मैं समझाना चाहता हूं ऐसे कि दुनिया में जो मांस का उत्पादन होता है ना, उसकी प्रक्रिया क्या है वो हमें जान लें। दुनिया में मांस उत्पादन होता है जानवरों का कत्ल करके, और जानवरों में सबसे ज्यादा कत्ल होने वाला जो प्राणी है उसका नाम है गाय, और गाय के वंश का बैल, और गाय के वंश के बछड़े और बछड़ी, सबसे ज्यादा ये कत्ल होते हैं पूरी दुनिया में। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा कत्ल होने वाला प्राणी है पूरी दुनिया में वो है सुअर, और उसके बाद तीसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा कत्ल होने वाला प्राणी है पूरी दुनिया में वो है भैंस, और चौथे नंबर पर जो सबसे ज्यादा कत्ल होने वाला प्राणी है वो है बकरी और बकरे और भेड़, और पांचवें नंबर पर जो सबसे ज्यादा कत्ल होने वाला जानवर है वो है मुर्गे और मुर्गियां, और उसके बाद छोटे पक्षी, उनकी तो संख्या और उनकी कोई गिनती नहीं है। इन जानवरों को कत्ल करने से पहले इनके शरीर में मांस ज्यादा हो तो कत्ल करने वाले उद्योगों को फायदा ज्यादा होता है। तो जानवरों के शरीर में मांस बढ़ाने के लिए वो जानवरों को अनाज खिलाते हैं, गेहूं खिलाते हैं, गेहूं के अलावा चावल और चना आदि खिलाते हैं, और मकई खिलाते हैं, बाजरी खिलाते हैं। तो इन जानवरों को भोजन खिलाया जाता है। ये जानवर सभी प्रकृति से जो है ना घास खाने वाले हैं, गाय घास खाने वाली है, भैंस घास खाने वाली है, इसी तरह से सुअर जो है ना मनुष्य का मल और दूसरी चीजें खाने वाला है, इसी तरह से बकरी और बकरे पूरी तरह से शाकाहारी जीव है, और ये मुर्गा मुर्गी भी ज्यादातर ऐसी चीजें ही खाते हैं। तो ये जो जानवर हैं ये तो घास खाने वाले और चारा चरने वाले जीव हैं, लेकिन मांस उत्पादन करने वाली कंपनियां इनको जबरदस्ती गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर और बाजरी और मक्की ऐसी चीजें खिलाते हैं। इनको खिलाने से क्या फायदा होता है? ये अगर गेहूं खिलाया जाए जानवरों को, सोयाबीन खिलाया जाए जानवरों को, और बाजरी मक्की आदि खिलाई जाए जानवरों को, तो वो बहुत जल्दी मोटे होने लगते हैं, बहुत जल्दी उनके शरीर में चर्बी बढ़ने लगती है, बहुत जल्दी उनके शरीर में फैट बढ़ने लगता है, और बहुत जल्दी उनका शरीर भारी होने लगता है। और जानवरों को काटकर बेचने वाले जो लोग हैं उनके लिए तो सबसे अच्छा यही है कि जो जानवर जितना ज्यादा भारी होगा, जितना ज्यादा वजन होगा, उसमें मांस उतना ज्यादा ही निकलेगा, बिक्री होगी तो उसमें मुनाफा उतना ही ज्यादा होगा। तो मांस उत्पादन करने वाली कंपनियां जानवरों को वो भोजन कराती हैं जो भोजन मनुष्य के लिए है। अब वो मनुष्य का भोजन जब जानवरों को करा दिया जाता है तो मनुष्य के हिस्से में भोजन कम पड़ना शुरू हो जाता है, और वही भोजन की कमी हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को भूख से मार देती है। अब मैं थोड़े आंकड़ों की बात करता हूं। सारी दुनिया के जानवरों को गेहूं है,
गेहूं से बनने वाली चीजें हैं, मक्की है, मक्की से बनने वाली चीजें हैं, बाजरी और बाजरी से बनने वाली चीजें हैं, सोयाबीन और सोयाबीन से बनने वाली चीजें हैं। तो जानवरों को कृषि उत्पन्न जो अनाज खिलाया जाता है वो कुल अनाज का लगभग 40% है भारत जैसे देशों में और 70% है अमेरिका जैसे देशों में। ये भारत और अमेरिका की दो अलग अलग श्रेणियां मैंने बनाई हैं। भारत का मतलब है दुनिया के गरीब देश, जैसे भारत एक देश है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो भारत जैसे दुनिया में 186 देश हैं जिनको गरीब देश कहा जाता है। आजकल अंग्रेजी भाषा में एक शब्द विकसित हुआ है इन देशों के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देश या विकसनशील देश। तो भारत और भारत जैसे गरीब देश है, आप समझ लीजिए विकासशील देश। तो 186 देश हैं भारत जैसे, इन सभी देशों में मांस उत्पादन के लिए कुल कृषि उत्पन्न का 40% जानवरों को खिलाया जाता है। अब दूसरी तरफ अमेरिका है, अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, कनाडा है और यूरोप के कई सारे देश हैं। इन देशों में कुल कृषि उत्पादन का लगभग 70% जानवरों को खिला दिया जाता है। आप सोचिए, अमेरिका में कुल जितना गेहूं पैदा होता है उस पैदा हुए गेहूं का 70% जानवरों को खिलाया जाता है। क्यों खिलाते हैं? अमेरिका के जानवर गेहूं खाकर, अमेरिका के जानवर सोयाबीन खाकर या कृषि उत्पन्न खाकर जल्दी से मोटे हो जाएं, जल्दी से उनके शरीर में मांस बढ़ जाए, ज्यादा मांस हो जाए, ज्यादा मोटे हो जाएं और उनको फिर काटकर उनका मांस दुनिया में बेचकर अमेरिका की मांस बेचने वाली कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमाएं। तो आप सोचिए, जो अमीर देश हैं उनके कृषि उत्पादन का 70% जानवर खा जाते हैं, जो गरीब देश हैं वहां मांस उत्पादन के लिए कुल उत्पादन का 40% खिला दिया जाता है जानवरों को। अगर औसत निकाला जाए, 70 और 40 को जोड़ दिया जाए 110 और इसका औसत निकाला जाए तो 55, माने दुनिया में औसतन आधा अनाज जानवरों को खिलाकर उनको मोटा बनाकर फिर उनका मांस कुछ लोग खाते हैं। अगर इस तर्क को सीधा सा समझने की कोशिश करें कि आधे से ज्यादा अनाज पहले हम जानवरों को खिलाएं, उनको मोटा बनाएं, फिर उनका मांस हम खाएं, इससे अच्छा सीधा सीधा यह है कि वो आधा अनाज सीधे ही हम खा जाएं, तो जितनी जनसंख्या की आज पूर्ति हो रही है उससे दोगुनी जनसंख्या की पूर्ति ऐसे ही हो जाए। तो आप बोलेंगे जी जानवर के लिए कहां से आएगा? प्रकृति ने, भगवान ने, परमात्मा ने ऐसी सुंदर व्यवस्था की है कि जहां से आपके लिए भोजन आता है वहीं जानवरों के लिए भी पैदा हो जाता है, उसके लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता। अगर आप खेती करते हैं, किसान हैं, तो आपको मालूम है हम गेहूं पैदा करते हैं तो गेहूं का ऊपर वाला हिस्सा तो हमारे काम आ जाता है खाने के लिए और नीचे का पूरा हिस्सा किसी गाय बैल भैंस के काम आ जाता है खाने के लिए। तो अतिरिक्त कुछ पैदा नहीं करना पड़ता जानवर के लिए, माने मनुष्य के लिए जो कुछ पैदा हो रहा है उसी से जानवर की पूर्ति होती है। हम मक्की का उत्पादन करते हैं, हम बाजरी का उत्पादन करते हैं, तो मक्की और बाजरी के ऊपर का जो हिस्सा है बाल वाला, जो लगभग 1 फीट का होता है, वो तो हमारे काम आ जाएगा और बचा हुआ नीचे का 6-7 फीट का जो हिस्सा है वो तो किसी जानवर के ही काम आने वाला है। तो प्रकृति और परमात्मा ने तो व्यवस्था ऐसी की है कि मनुष्य के लिए कुल उत्पादन जितना चाहिए उससे 6-7 गुना ज्यादा उत्पादन चारे और घास का जानवरों के लिए हो ही जाता है, उसके लिए कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता। इसलिए जानवरों की हमें यह चिंता छोड़ देनी पड़ेगी कि अगर हम उनको अनाज नहीं खिलाएंगे तो उनका पेट कहां से भरेगा। उनका पेट भरने के लिए तो प्रकृति और परमात्मा ने व्यवस्था की हुई है, आप उसकी चिंता मत करिए। आप तो सिर्फ इतनी चिंता करिए कि अपने पेट में ये जानवरों को काट काट कर डालना बंद कर दीजिए, इनका मांस खाना बंद कर दीजिए, सारी दुनिया की व्यवस्था तो बहुत सुंदर और बहुत अच्छे से है।